करने के बाद यहाँ पे चार अंडे इन्होंने फेंट के रखा हुआ है, नमक डाल करके, और दो टमाटर है, धनिया पत्ती है, लाल मिर्ची है। अब इसको मैं इसमें डाल दूँगी, डाल करके थोड़ा देर इसको छोड़ दूँगी, इसको छोड़ दूँगी। और इसी में थोड़ा सा हम टमाटर भी डालेंगे, तो ऐसे होगा कि ये टमाटर और अंडा दोनों एक दूसरे में अटैच हो जाएंगे, जो खाने में बहुत टेस्टी लगता है। और मेरे तरीके से बना के देखिए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसमें हम हल्का ज़ीरा भी डाल देंगे, इसमें ज़ीरा डाल दीजिए। फिर इसके बाद नमक भी हल्का डाल दीजिए इसमें भी, और से हाथ से ही अपना क्वांटिटी खाने के अपने हिसाब से, और फिर इसको धीरे धीरे और मिला लीजिए। इसमें अंडे में जाकर के और प्याज और टमाटर सब मिक्सअप हो जाए, इसमें आप थोड़ी हल्दी भी डाल दीजिए, थोड़ी सी हल्दी डालना है, ज़्यादा नहीं तो इसमें हो जाएगा। हल्का लाल मिर्चा डाल दीजिए, थोड़ी सी धनिया पाउडर आप डाल दीजिए, इसको सबको आप मिक्सअप कर दीजिए। अब इसे इसको आप जो मिर्चा काटे हैं उसको डाल दीजिए, मिर्चा डाल दीजिए। लगभग बन ही गया, और मेरे तरीके से बनाइए, आपको बहुत लाजवाब मिलेगा। कहीं से भी आपको अंडे का पता नहीं चलेगा, अंडा जो प्याज में और टमाटर में बहुत मिक्सअप हो जाता है। हल्के हल्के हाथ से इसको भूंजिए। गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्यार दीजिए, और इसे आगे तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। इसको अब ज़्यादा नहीं सुखाना है, इसको सॉफ्ट रखने के लिए, रोटी के साथ खाने के लिए इसको आप ज़्यादा नहीं फ्राई करें। अब हो गया, इसका टेक्सचर सॉफ्ट ही होना चाहिए। अब इसमें हल्का गरम मसाला, सॉफ्ट रखने के लिए, रोटी के साथ खाने के लिए इसको आप ज़्यादा नहीं फ्राई करें। अब हो गया, इसका टेक्सचर सॉफ्ट ही होना चाहिए। अब इसमें हल्का गरम मसाला डाल दीजिए एक चम्मच, और आप धनिया पत्ती डाल दीजिए, धनिया पत्ती डालने से इसका फ्लेवर और भी लाजवाब आता है। ये ठंडे के दिनों में ही बना के खाइए, बहुत टेस्टी लगेगा। इसमें है हल्का सा आप ऊपर से मक्खन डाल दीजिए। अब देखिए मेरे तरीके से ये रेसिपी बना के खाइए, इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। हो गया, ये सॉफ्टनेस ही इसमें रहती है। आप मेरे तरीके से बना के खाइए, मेरी रेसिपी को पसंद कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। देखिए इसमें हल्का हल्का तेल भी छोड़ रहा है। अब पूरे ये बनके तैयार हो गए, इसको मैं सर्व करके आपके सामने पेश करती हूँ। देखिए मैं निकाल रही हूँ, अब मेरे तरीके से बना करके देखिए, इतना टेस्टी लगता है, इतना अच्छा लगता है। ये जाड़े के लिए तो ख़ास करके स्पेशली, अब बना करके देखिए इसको, आप रोटी के साथ इसको खाइए, मेरे तरीके से बनाइए, मेरे तरीके से बनाइए। मेरी डिशेस को, मेरी रेसिपी को आप पसंद कीजिए, लीजिए गाइस, ये आपके लिए है। ये मैंने पहली बार अपने चैनल पे आप लोग के लिए बनाया है, आप इसे खाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बहुत ढेर सारा प्यार दीजिए। अल्लाह हाफिज़।